नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ हलचल इंडिया। उज्जैन शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। कुछ विशेष समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर देश विरोधी कार्य किया गया था। इसी बात से नाराज होकर दबंग हिंदू सेना और महामल्लेश्वर क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी जी महाराज ने अपने समर्थकों के साथ टावर चौक पर पहुंचकर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इसी के साथ क्रांतिकारी संत द्वारा शहर काजी को चेतावनी देते हुए सहयोग की बात कही। यदि उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो अगला पुतला शहर काजी का जलाया जाएगा तथा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गुरु जी बताइए, कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उज्जैन में लगे हैं, जो शर्मनाक बात है, तो आप क्या विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और क्या कहेंगे आप? आज हमने दबंग हिंदू सेना के बैनर पर, मैं दबंग हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने भगवान महाकाल की नगरी को शर्मसार किया है देशद्रोही नारे लगा करके, वो शहर काजी की उपस्थिति में नारे लगाए गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो शहर काजी ने नारे लगवाए हैं, इसलिए सबसे पहले शहर काजी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों को दोषी पाया जाता है उनके मकान तोड़े जाएं, उनकी नागरिकता रद्द की जाए, साथ ही कोई भी शासकीय सुविधा उन लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जिस देश में रहते हैं उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सपोले हैं, निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन अगर कर पाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो हमको सौंपे उनको, जिस स्थान पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हीं लोगों से उसी स्थान पर हमारी दबंग हिंदू सेना हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएगी। जी आज आपने किस तरह से प्रदर्शन किया? आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्थानीय प्रशासन ठीक से इन पर कार्यवाही नहीं करता और शहर काजी अगर जांच में सहयोग नहीं करता तो हम अगला पुतला शहर काजी का ही फूकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जब हमारे देश का बंटवारा हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर हुआ था, हिंदुओं का हिंदुस्तान था, मुसलमानों का पाकिस्तान था, हमने दया करके इनको यहाँ रखा था, तो ये जैसे हमने रखा था वैसे रहें, हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो पहले तो आपने हमको मार मार के मुसलमान बनाया था, याद रखना आप, बहुत समय है कि हम आपको मार मार के हिंदू बनाएंगे। ये निश्चित रूप से सिमी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं, इनके तार पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं, ये निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की धरती को तालिबान की धरती बनाना चाहते हैं।